आपको बता दें उत्तर भारत के कई राज्यों में इस वक्त भारी बारिश जारी है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में फिर तेज बारिश से जगह जगह लैंडस्लाइड की खबर आई है। सड़कें टूटी हुई हैं, मलबा हाईवे पर बिखरा हुआ है। मुंबई के अंधेरी ईस्ट इलाके में पहाड़ का एक टुकड़ा टूटकर घरों पर गिर गया है। आज भी देश के 15 राज्यों पर बड़ा खतरा है। भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हथनीकुंड डैम से पानी छोड़े जाने के बाद से दिल्ली में यमुना का जलस्तर फिर खतरे के निशान से ऊपर है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में बादलों के प्रचंड प्रहार से कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। आइए आपको हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की तस्वीर दिखाते हैं। हिमाचल में बादल फिर मुसीबत बनकर बरस रहे हैं। कुल्लू में बादल फटने के कारण भारी तबाही है। सड़क टूटकर सैलाब में बह गई है। पहाड़ों का मलबा सड़कों पर बह रहा है। हिमाचल प्रदेश में जून से अब तक बादल फटने के 35 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। बेडू फार्म के पास ये देखिए दोस्तों दूसरा दृश्य गरसा वैली का। बेडू फार्म के पास ये देखिए दोस्तों दूसरा दृश्य। और अब उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की तस्वीर देखिए। यहाँ बारिश के चलते नदी में तेज बहाव के चलते एक गाय फंस गई। स्थानीय लोगों ने गांव को किसी तरह रेस्क्यू किया। लगातार बारिश से उत्तराखंड में नदी नाले उफान पर है। पिथौरागढ़ की तस्वीर आप देखिए, सैलाब के बीच में किसी तरीके से इस गाय को रेस्क्यू किया गया, बाहर निकाला गया। इंसान तो इंसान सबसे ज्यादा परेशान। इस तरह की बाढ़ बारिश नदी के उफान में बेजुबान जानवर हैं, जिनकी राहत के लिए भी अगर लोग एकजुट होकर खड़े हैं तो वाकई में ये राहत देने वाली तस्वीर भी है कि सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर हो। उत्तराखंड के डबरकोट में यमुनोत्री हाईवे 3 दिन से बंद है। इसकी वजह से यमुनोत्री की यात्रा पर रोक लगी हुई है। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं डबरकोट की। उत्तराखंड के चमोली जिले में लगातार भारी बारिश के कारण जनजीवन बहुत प्रभावित हुआ है। लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ हेमकुंड नेशनल हाईवे का एक बड़ा हिस्सा टूट गया है। प्रशासन का कहना है कि सड़क की मरम्मत से 2 से 3 दिन लग सकते हैं। और आइए अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं हरिद्वार की। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर के पास पहाड़ दरक रहे हैं और इसकी वजह से तलहटी वाले इलाकों के लोगों के रिहायशी इलाकों पर खतरा बढ़ गया है। पिछले 10 दिनों में ये पहाड़ करीब 6 बार दरक चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। वाकई में तलहटी में रहने वाले लोगों के लिए ये मुसीबत का सबब बन सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे पहाड़ों का दरकना तो इंसान बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अगर इसी तरीके से मानसून की तेज बारिश होती रही और पहाड़ तेजी से दरका तो लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनकर बरस रही है। चमोली की भी तस्वीरें देखें, जहाँ बारिश के चलते पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूट कर सड़क पर आ गिरा। गनीमत यह रही कि जिस वक्त लैंडस्लाइड हुआ
उस वक्त कोई गाड़ी वहां से गुजर नहीं रही थी, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। आप देखिए सड़क कहाँ है, ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया है क्योंकि पहाड़ का बड़ा हिस्सा सीधा दरक कर नीचे आ गया है सड़क पर। आइए अब तस्वीरें आपको महाराष्ट्र की भी दिखाते हैं। महाराष्ट्र में भी बादल जमकर बरस रहे हैं और लगातार हो रही बारिश के चलते मुंबई के अंधेरी ईस्ट की रामबाग सोसाइटी से सटी पहाड़ी का एक हिस्सा टूटकर घरों पर आ गिरा है। चीख पुकार मच गई है, लोग अपनी जान को बचाने के लिए भाग रहे हैं। हादसा रात करीब 2 बजे हुआ, 5 मकान पूरी तरह से टूट गए। इलाके में रहने वाले लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जब लोग सो रहे थे तो उनके घरों पर पहाड़ टूटकर अचानक से गिर गया। सोसाइटी में कितने घरों को नुकसान पहुंचा, इस समय वहां पर कैसे हालात हैं, देखिए संवाददाता नम्रता दुबे की रिपोर्ट। मुंबई के अंधेरी में लैंडस्लाइड की घटना हुई है। अंधेरी के चकाला रामबाग सोसाइटी में ये घटना हुई है। तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी दुर्घटना कितनी भीषण रही है। रात तकरीबन 2:15 के करीब ये पूरी घटना हुई है, जब लोग अपने घरों में चैन से सो रहे थे और अचानक से ये पीछे जो पहाड़ का एक हिस्सा है वो घर के अंदर घुस आया है। तस्वीरों के जरिए अगर आप देखें तो इस सोसाइटी की पहली मंजिल पर जो कुछ घर हैं वो इससे भावित हुए हैं और फिलहाल जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं वो काफी ज्यादा डरे हुए हैं क्योंकि अचानक से रात को पहाड़ का एक हिस्सा घर के अंदर घुसाता है तो लोगों के लिए काफी ज्यादा डर का माहौल होता है। अगर आप तस्वीरें देखें तो जो पहाड़ के मिट्टी और पत्थर के हिस्से हैं वो पूरी तरह से घर पर आ गया है। ये किचन का एरिया है जहां पर गनीमत है कि कोई सो नहीं रहा था, जिसके चलते किसी को कोई इंजरी नहीं हुई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।